Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नहीं थम रहा दिहाड़ी मजदूरों का पलायन का सिलसिला, ठेकेदार व फैक्ट्री मालिकों ने खींचे हाथ, प्रशासन भी नहीं कर पा रहे भोजन की व्यवस्था, मजदूर कर रहे हैं पलायन। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाड़ी क्षेत्र की, जहां लॉकडाउन के चलते देश में जगह जगह महानगरों में फंसे दिहाड़ी मजदूर काम न होने से अपने अपने क्षेत्र की ओर पैदल ही पलायन कर रहे हैं। वहीं भोपाल से आए 12 मजदूरों को दुर्गा मंदिर में लॉकडाउन के समय नगर के युवाओं ने लॉकडाउन के दूसरे दिन से संकटकालीन भोजनशाला खोली, जिसमें नगर के असहाय एवं घूमते लोगों को भोजन करा रही है। वहीं भोपाल से जबलपुर जा रहे 12 मजदूरों को भोजन कराने के पश्चात समिति सदस्य रंजीत ठाकुर ने उन्हें 100-100 रुपये दिए हैं। देखिए पूरी खबर तहलका इंडिया न्यूज़ के लिए, नितेश मेहरा की रिपोर्ट। मैं कृष्णा पटेल बोल रहा हूँ। कहाँ से आए हो? मैं भोपाल से आ रहा हूँ। अरे से कहाँ हो? मेरा गांव ग्राम छनागांव है, जिला जबलपुर तहसील से हो रहा। क्यों हो रहा? हाँ, भोपाल में क्या कर रहे थे? भोपाल में केमिकल फैक्ट्रियों में काम कर रहा था। हाँ। उधर दो दिन से खाना मिला, दो दिन सादगी खाना। हाँ। दो दिन के बाद बंद कर दिया गया उधर आना खाना। हाँ। तो तीसरे दिन हम लोग भूखे रहे, चौथे दिन हम लोग घर से निकल पड़े, पैदल ही आए भोपाल से। हाँ। अभी कोई साधन नहीं था, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी। हाँ। तो इधर आए बाड़ी में, तो बाड़ी में हमारा खाने पीने का व्यवस्था हुआ, किराया खर्चा भी नहीं था, इधर भी खर्चा मिला हमको 100-100 रुपया मिला। अगर आपको हम बाड़ी में रोकें 12 दिन तक, जब तक लॉकडाउन है, आप रुकने को तैयार हैं क्या? खाना पीना आपको सब दिया जाएगा? अब रुकने के तो लिए ठीक है, लेकिन घर में थोड़ा आपत्ति है, इसलिए जाना जरूरी है हमारा, इसके लिए हम वहाँ से भोपाल से आए हैं। अगर जरूरी नहीं होता तो वहीं भोपाल पर ही रह के हम खा सकते थे 15 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इतनी मेहरबानी की। मतलब भोपाल से आप खाना नहीं मिलने के चक्कर में आप निकले आए? हाँ। दो दिन प्रशासन ने खाना दिया, तुम्हारे ठेकेदार ने कुछ नहीं कहा? ठेकेदार ने दो दिन तक खाना दिया, तीसरे दिन बोला भाई मैं 5,000 लोगों को खाना नहीं खिला सकता। हाँ। अब एक काम करो, काम तो बंद रहेगा महीना डेढ़ महीना। हाँ। आप लोग घर चले जाइए। फैक्ट्री का नाम क्या है तुम्हारी? केमिकल बनता है। कहाँ, क्या नाम है उस फैक्ट्री का जिसमें 5,000 मजदूर काम करते हैं? केमिकल बनता है उधर, नाम कहाँ पे है ये फैक्ट्री? ये फैक्ट्री भोपाल में पीथमपुर। पीथमपुर में? तो पीथमपुर से आ रहे हो तुम? पीथमपुर तो इंदौर में है ना? हाँ, इंदौर में है ना? उधर इंदौर में जो है उसका वो है। अच्छा, ब्रांच है उसकी? ब्रांच इंदौर वाली पीथमपुर की फैक्ट्री भोपाल में है। हाँ। अब आप लोग पैदल निकलेंगे जबलपुर के लिए? हाँ, पैदल ही जाएंगे, जब साधन नहीं है तो पैदल ही जाना पड़ेगा हमको। चलिए ठीक है।